मैंने आपको बताया डेवलपमेंट ऑफ एंथर, और फिर मैंने आपसे कहा कि इसको एक बार आप बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करिए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लेकिन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को स्टार्ट करने से पहले पिछले वीडियो से रिलेटेड मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओरिएंटेड पॉइंट्स बता रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से आप समझिएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है सबसे ज्यादा है। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर एंथर को हम कट करके देखेंगे तो एंथर के ट्रांसवर्स सेक्शन पे आपको इस तरीके के चार थीका दिखाई देंगे, और हर एक थीका में यहाँ पे सैक या बैग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया। टोटल 4 इन नंबर होंगे। और वॉल ऑफ एंथर की अगर हम बात करें तो सबसे बाहर यहाँ पे प्रेजेंट है एपिडर्मिस, फिर उसके बाद एंडोथीसियम, फिर मेटल लेयर, फिर प्रेजेंट होगा डायपेटम, और उसके बाद यहाँ पे स्पोरोजिनस सेल्स की लेयर प्रेजेंट होगी। मैं करके रहा हूँ आपको इतना पार्ट जो है इसको मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ, यानी मैं आपको वॉल्स ऑफ एंथर के बारे में बता रहा हूँ। तो मैंने आपसे बताया कि टोटल वॉल्स ऑफ एंथर जो है वो कितनी है, 4 है। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था E²MT, यानी कि सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है इसको मैं बोल रहा हूँ एपिडर्मिस। यानी कि अगर एंथर में हम देखेंगे तो सबसे बाहर की तरफ यहाँ पे प्रेजेंट होगी ये एक एपिडर्मल सेल्स की बनी हुई लेयर, और ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है, और इस आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर को मैं क्या बोल रहा हूँ, एपिडर्मिस। मैंने इसको बोला एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट कवरिंग को या आउटर मोस्ट वॉल ऑफ एंथर को मैं बोल रहा हूँ एपिडर्मिस। जस्ट बिलो द एपिडर्मिस यहां पे प्रेजेंट होगी दूसरा वॉल ऑफ एंथर, जिसको मैं बोल रहा हूं एंडोथीसियम। यहां पे प्रेजेंट होगी सेकंड वॉल ऑफ एंथर, और इसको मैंने बोला एंडोथीसियम। और एंडोथीसियम के नीचे यहां पे 1, 2, 3 लेयर्स के फॉर्म में थर्ड वॉल ऑफ एंथर प्रेजेंट है, और इस थर्ड वॉल ऑफ एंथर को मैं बोल रहा हूं मिडिल लेयर। और मिडिल लेयर के नीचे, मिडिल लेयर के जस्ट नीचे यहां पे प्रेजेंट होगी इनर मोस्ट वॉल ऑफ एंथर, और इस इनर मोस्ट वॉल ऑफ एंथर को मैं बोल रहा हूं टैपेटम, टैपेटम। और यानी कि एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम, और फिर इसके बाद क्या होगा यहाँ पे स्पोरोजिनस सेल्स की लेयर प्रेजेंट होगी। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे प्रेजेंट होंगे स्पोरोजिनस सेल्स की लेयर, और ये स्पोरोजिनस सेल्स आगे चल के माइक्रोस्पोर या पॉलेंस बनाएंगे। तो मैंने आपसे ये कहा कि अगर वॉल ऑफ एंथर की मैं बात कर रहा हूँ तो E²MT से याद रखना है हमको एपिडर्मिस, एपिडर्मिस आउटर मोस्ट, फिर उसके बाद एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर, और इनर मोस्ट लेयर को मैं बोल रहा हूँ टैपेटम। ये 4 वॉल ऑफ क्या है, एंथर है। मैंने आपसे बताया था कि एपिडर्मिस नॉन आर्किस्पोरियल इन ओरिजिन होगी, एंड रेस्ट ऑफ ऑल दीज 3 वॉल्स ऑफ एंथर आर्किस्पोरियल इन ओरिजिन होगी। तो ये नॉन आर्किस्पोरियल और ये क्या है, आर्किस्पोरियल इन ओरिजिन है, क्योंकि ये आर्किस्पोरियल सेल से नहीं बनती हैं, और ये सारी के सारी प्राइमरी पैराइटल सेल से बनी हुई होती हैं, और प्राइमरी पैराइटल सेल्स आर्किस्पोरियल सेल्स के डिवीजन से बनती हैं। दैट इज वाई ये सारी के सारी तीनों के तीनों वॉल्स जो हैं ये आर्किस्पोरियल इन ओरिजिन है। तो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें याद रखना है वो ये कि कितने वॉल्स ऑफ एंथर हैं, एंथर में कितने वॉल्स हैं। तो नंबर ऑफ वॉल्स के लिए आंसर होगा 4, यानी एंथर के टोटल कितनी वॉल्स है, 4 वॉल्स है। सीक्वेंस सबको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है, आउटर टू इनर अगर हम मूव करेंगे तो E²MT वाले फॉर्मूले से याद रखना है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपेटम, ये आउटर टू इनर 4 वॉल्स ऑफ क्या है, एंथर है। फिर मैंने आपसे ये बताया कि एपिडर्मिस अकेले नॉन आर्किस्पोरियल इन ओरिजिन है, एपिडर्मिस अकेले नॉन आर्किस्पोरियल इन ओरिजिन है, रेस्ट ऑफ ऑल 3 वॉल्स ऑफ एंथर आर आर्किस्पोरियल इन ओरिजिन। बची हुई तीनों की तीनों वॉल्स एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एज वेल एज टैपेटम, ये प्राइमरी पैराइटल सेल से डिराइव्ड है, और प्राइमरी पैराइटल सेल्स जो है वो आर्किस्पोरियल सेल के डिवीजन से बनती हैं।
सो दैट मैंने आपसे ये कहा कि ये तीनों के तीनों लेयर एपिडर्मिस के अलावा सारी की सारी क्या है, आर्की स्पोरियल इन ओरिजिन है। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें मैं वन बाई वन इन चारों लेयर्स या वॉल्स को डिस्कस कर रहा हूँ, वन बाई वन चारों वॉल्स को डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ किसके बारे में, एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको याद रखना है कि ये आउटर मोस्ट वॉल है, आउटर मोस्ट वॉल ऑफ एंथर है। अभी हमने आपको बताया कि अगर मैं इसकी ओरिजिन की बात कर रहा हूं तो ये नॉन आर्की स्पोरियलिन ओरिजिन होगी। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका फंक्शन क्या होगा, तो आप सबको पता है कि कोई भी लेयर अगर सबसे बाहर प्रेजेंट है तो वो अंदर प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स को क्या करेंगी, प्रोटेक्ट करेंगी, यानी इनका फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन, इनका फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको याद रखना है किसके रिगार्डिंग, एपिडर्मिस के। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट वॉल है, नॉन आर्की स्पोरियलिन ओरिजिन है एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है, एंड प्रोटेक्टिव इन नेचर या फंक्शन है। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि इनर टू और जस्ट बिलो द एपिडर्मिस देयर विल बी सेकेंड वॉल ऑफ एंथर, और इसको मैं बोल रहा हूँ एंडोथीसियम, इनको मैं बोल रहा हूँ एंडोथीसियम। तो एंडोथीसियम जो है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको याद रखना है, सारी की सारी सेल्स जो है ये डेड सेल्स होंगी, सारी की सारी सेल्स जो है ये ब्लू कलर की जो एंडोथीसियम वॉल बना रही है, ये सारी की सारी क्या है, डेड सेल्स है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको ये भी बताया था कि इन सेल्स में जो एंडोथीसियम की वॉल है, इसमें यहाँ पे यू शेप्ड थिकनिंग प्रेजेंट होगी। अगर आपको याद आ रहा हो तो हमें आप केमिकल का नाम बताइए कि कौन से केमिकल की थिकनिंग यहाँ पे प्रेजेंट है एंडोथीसियम के सेल्स पे, वो भी यू शेप्ड। तो मैंने ये कहा कि इसमें थिकनिंग प्रेजेंट है, इसमें थिकनिंग प्रेजेंट है, और कैसी थिकनिंग है, यू शेप्ड थिकनिंग प्रेजेंट है। और ये जो थिकनिंग है, यू शेप्ड थिकनिंग, ये कौन से कार्बोहाइड्रेट की है, कैलोज कार्बोहाइड्रेट। तो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको, केमिकल का नाम क्या है, कैलोस, और ये क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट, या इसको मैं बोल रहा हूँ पॉलीसेक्राइड है, ये क्या है, एक पॉलीसेक्राइड है। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट बात हमको याद हो गया, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैलोस कार्बोहाइड्रेट, ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होगा। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब आप समझिए कि जब वाटर ज्यादा होगा तो मैंने बताया था कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, और अगर वाटर स्ट्रेस कंडीशन होगी तो ये बहुत तेजी से वाटर को क्या करेगा, लूज भी करेगा। और ये जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर है इसका, ये हेल्प करेगा इसमें डेहिसेंस ऑफ एंथर में। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है इसका एंडोथीसियम का, वो क्या है, डेहिसेंस ऑफ एंथर, यानी कि ये एंथर के डेहिसेंस में हेल्प करेगा। तो एक बार मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से फिर से रिकैप करा रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वॉल है। मैंने आपसे बताया कि यहाँ पे ये जो एंडोथीसियम है, ये सारी की सारी सेल्स इसमें जो है वो क्या है, डेड सेल्स है, और इसमें यू शेप्ड थिकनिंग होगी। यू शेप्ड थिकनिंग ये याद रखिए आप, ये क्या है, यू शेप्ड थिकनिंग है, ये इसका जो शेप है, ये इंग्लिश के अल्फाबेट यू से क्या कर रहा है, रिजेंबल कर रहा है, इस वजह से मैंने इसको कहा कि ये यू शेप थिकनिंग होगी। यू शेप थिकनिंग, ये आउटर वॉल हो गई, इसके बाहर की तरफ ये जो एक्सपोज्ड है, और ये इनर वॉल हो गई। तो कहाँ पे थिकनिंग है, इनर वॉल पे और साइड वॉल्स पे, इनर वॉल पे थिकनिंग है और साइड वॉल्स पे थिकनिंग है। तो ये जो थिकनिंग है यू शेप, ये कहाँ कहाँ पे है, इनर वॉल पे सेल के और साइड वॉल्स पे सेल की, एंडोथीसियम वॉल के ये लेयर की। फिर मैंने आपको बताया कि यू शेप थिकनिंग इसकी है कैलोज कार्बोहाइड्रेट की है, और कैलोज कार्बोहाइड्रेट के लिए दो पॉइंट हमको याद रखना है कि थिकनिंग कैलोज केमिकल का है और ये कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेक्राइड है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं। और इस कैलोज कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस की वजह से इसका नेचर सेल्स का कैसा है, हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब जब वाटर ज्यादा होगा तो इसको तेजी से एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होगी इसमें, और वाटर स्ट्रेस कंडीशन में बहुत तेजी से वाटर लूज करने की भी टेंडेंसी रखेगा। और इसका यही नेचर या कैरेक्टरिस्टिक एंथर के डेहिसेंस में बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा, यानी इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, डेहिसेंस ऑफ एंथर है। तो दो इंपॉर्टेंट वॉल्स हमने आपको बताई, आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, और उसके बाद मैंने आपको बताया एंडोथीसियम। और एंडोथीसियम के अंदर कौन सी लेयर प्रेजेंट है,
मिडिल लेयर, मिडिल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये मिडिल इसलिए बोल रहे हैं इसको, ये वाली जो वॉल है, ये वाली जो वॉल है इसको मैं बोल रहा हूं मिडिल लेयर। ये जो मिडिल लेयर है इसको मैं मिडिल लेयर टर्म इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये एंडोथीसियम और टैपेटम के बीच में प्रेजेंट है। तो मिडिल लेयर के लिए हमको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ये याद रखनी है कि मिडिल लेयर की जो सारी के सारी सेल्स हैं, मैंने आपको बताया कि इनमें जो ये सेल्स होंगी, ये जो सेल्स होंगी ये एक या दो या तीन लेयर में इस तरीके से अरेंज होंगी, एक दो या तीन लेयर में इस तरीके से क्या होंगी, अरेंज होंगी मिडिल लेयर की सारी सेल्स। और ये जो सेल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमको याद रखनी है, ये पैरेन्काइमेटस होंगी, पैरेन्काइमेटस होंगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये ग्रीन कलर होंगी, ग्रीन कलर का मतलब इसमें प्रेजेंट होंगे क्लोरोफिल के पिगमेंट्स। और आपको पता है कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होंगे या ग्रीन कलर का अगर कोई भी सेल है या ग्रीन पार्ट ऑफ द कोई प्लांट है, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट है, तो ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा, फोटोसिंथेसिस। बचपन से जानते हैं हम लोग ये कि क्लोरोफिल होगा, ग्रीन कलर होगा, तो ये फोटोसिंथेटिक इन नेचर होगा, फोटोसिंथेटिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। और फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये क्या करेगा, फूड बनाएगा, एंड इट विल मेक फूड फॉर किसके लिए, स्पोरोजेनस सेल्स के लिए, यानी कि ये फूड सिंथेसाइज करेगा किसके लिए, स्पोरोजेनस सेल्स के लिए। और फिर उसके बाद ये फूड पास कर देगा, ये जो सेल्स हैं ये फूड बना करके पास कर देंगे किसको, टैपेटम को, टैपेटम को पास कर देंगी। एंड आफ्टर दैट ऑल दीज सेल्स विल डाई, ये सारी की सारी सेल्स क्या हो जाएंगी, मर जाएंगी। तो बहुत सेल्फलेस टाइप की ये सेल्स है। यानी मैंने ये कहा कि ये जो मिडिल लेयर है इसकी सेल्स पैरेन्काइमेटस हैं, ग्रीन क्लोरोफिलस हैं, एंड बीइंग क्लोरोफिलस ये फोटोसिंथेटिक इन नेचर होंगी, फूड मैन्युफैक्चर करेंगी किसके लिए, स्पोरोजिनस सेल्स के लिए, और फूड बना करके ये टैपेटम को पास कर देंगी, एंड आफ्टर दैट दीज सेल्स विल बी डाई, ये सारी की सारी सेल्स जो है वो क्या हो जाएंगी, डिसअपीयर कर जाएंगी। तो मैंने ये कहा कि ये सेल्स जो है फूड बनाएंगी और फूड बना करके ये पास कर देंगी टैपेटम को, फूड बना करके ये पास कर देंगी किसको, टैपेटम को। तो जब ये फूड मैन्युफैक्चर करके सिंथेसाइज करके टैपेटम को पास कर देंगी, तो ये जो टैपेटम है ये फूड किसको देगा, स्पोरोजिनस सेल्स को या स्पोरोजिनस टिश्यूज को, स्पोरोजिनस टिश्यूज को। तो इसीलिए मैंने बताया कि पैरेन्काइमेटस सेल्स, ग्रीन क्लोरोफिलस जो है मिडिल लेयर की, ये फूड सिंथेसाइज करके किसको दे देंगे, टैपेटम को, और टैपेटम उन फूड को किसको दे देगा, इन स्पोरोजिनस सेल्स को, डेवलपिंग स्पोरोजिनस सेल्स को। तो मैंने आपको बताया कि फूड बनाएगी किसके लिए, फूड बनाएगी किसके लिए, ये फूड बनाएगी स्पोरोजिनस सेल्स के लिए, पास करेंगे टैपेटम को, और टैपेटम पास करेंगे इसको स्पोरोजिनस सेल को, उसके बाद ये सेल्स क्या हो जाएंगी, डीजनरेट हो जाएंगी। बहुत सेल्फलेस टाइप की क्या है, सेल्स है। और फिर उसके बाद आपको एक क्वेश्चन इसमें आपको ये बताना है कि ये ग्रीन कलर की क्या है, पैरेन्काइमेटस सेल्स है, तो क्या मैं इनको क्लोरेन्काइमा बोल सकता हूं क्या, तो ये आपके लिए एक होमवर्क है, क्या मैं मिडिल लेयर की सेल्स को क्लोरेन्काइमेटस सेल्स बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं। फिर मैं आता हूं फोर्थ वॉल ऑफ एंथर पे, और ये जो सबसे आखिरी वॉल है एंथर की, ये वाली वॉल, इस वॉल को मैं बोल रहा हूं टैपेटम, टैपेटम। तो टैपेटम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमको याद रखनी चाहिए वो ये है कि ये इनर मोस्ट लेयर होगी, इनर मोस्ट वॉल ऑफ एंथर है, यानी मैं कह सकता हूं ये नियरेस्ट टू स्पोरोजिनस सेल्स, या कह सकते हैं पोलन मदर सेल्स, या कह सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, या फिर कह सकते हैं माइक्रोस्पोर, यानी कि ये जो सेल्स हैं स्पोरोजिनस सेल्स हैं, बाद में ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या पोलन मदर सेल्स की तरह एक्ट करने लगेंगे, जो माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे और वो मैच्योर होकर के पॉलिन बनाएंगे, यानी सबसे इसके पास, यानी मैं ये कह सकता हूं कि स्पोरोजिनस सेल्स के जस्ट नियर कौन सी सेल की लेयर है, टैपेटल सेल्स के लिए, यानी कि ये क्या प्रेजेंट है, टैपेटम प्रेजेंट है, ये क्या प्रेजेंट है, ये रेड कलर वाली लेयर टैपेटम, और ये नियर टू क्या है, स्पोरोजिनस सेल है, नियरेस्ट टू स्पोरोजिनस सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात हमको जो याद रखनी है वो ये कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ये इंपॉर्टेंट बात हमको याद रखनी है कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स है, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स जो बनी है ये फ्री न्यूक्लियर
डिवीजन की वजह से बनी है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हमको याद रखनी है कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होंगी, यानी कि इसमें बहुत सारे क्या प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। जैसे कि मैं अगर एक कैपिटल सेल की बात करूं तो यहाँ पे एक सेल में टैपिटम लेयर या वॉल में एक सेल के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियाई। तो इसको हम लोग पॉली न्यूक्लियर, मल्टी न्यूक्लियर, पॉलीकोलाइड कंडीशन बोल सकते हैं। यानी कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड क्या होंगी, सेल्स होंगी, एक सेल के अंदर कई सारे क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। तो मैंने आपको बताया कि ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, सिर्फ इसमें कैरियोकाइनेसिस होगी, विच इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाएंगे एक सिंगल न्यूक्लियस से, और यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड या पॉलीप्लॉयड कंडीशन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हमको याद रखनी है इसमें वो ये कि इनका फंक्शन क्या होगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो सेल्स है मिडिल लेयर की सेल्स, ये फूड बनाएगी इस पोरोजिनस सेल्स के लिए, और ये फूड लेकिन पास कर दे रही है किसको, टैपेटम को। तो ये फूड टैपेटम की सेल्स किसको देंगे, इस डेवलपिंग स्पोर्स को या डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को या डेवलपिंग पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल या स्पोरोजिनस सेल्स को। तो यानी मैं ये कह पा रहा हूं कि ये जो सेल्स हैं, इस वॉल की जो सेल्स हैं, टैपेटम की सेल्स है, टैपेटम वॉल जो है वो स्पोरोजिनस सेल्स को क्या कर रहा है, नरिश कर रहा है। यानी इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हो गया, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हो गया, ये नरिश करती है किनको, डेवलपिंग पॉलन्स को, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को, डेवलपिंग पॉलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल या स्पोरोजिनस सेल्स को। और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका आप ये समझिए कि ये सिक्रेटरी नेचर की होंगी, यानी कि ये बहुत सारे सिक्रीशंस प्रोड्यूस करेंगे। सिक्रीशन में सबसे पहली बात आपको याद रखना है ये कि जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं कि ये सारी की सारी जो सेल्स हैं, जो सारी की सारी सेल्स हैं, अभी जो मैंने आपको बना के यहाँ पर दिखाया था कि ये कौन सी सेल है, स्पोरोजिनस सेल्स हैं, स्पोरोजिनस टिश्यूज हैं, क्योंकि यहाँ पे ये टैपेटम और टैपेटम के बाद यहाँ पे प्रेजेंट है माइक्रोस्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये सब क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं। तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, बाद में हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पढ़ेंगे, मियोसिस या रिडक्शन डिवीजन के थ्रू यहाँ पे बनेंगे माइक्रोस्पोर्स। ये क्या है, माइक्रोस्पोर्स है, मान लीजिए ये क्या बन गए हैं, माइक्रोस्पोर्स बन गए हैं। तो हमने आपको बताया कि मियोसिस के थ्रू बनेंगे, तो ये डिप्लॉयड होंगी, जिन सेल्स में मियोसिस होगा इसको हम पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलेंगे। यहाँ पे जब मियोसिस होगी तो ये कैसे हो जाएंगे, हैप्लॉयड हो जाएंगे, और इनको मैंने बोला माइक्रोस्पोर। तो होता क्या है कि इन माइक्रोस्पोर्स के चारों तरफ ये जब मेच्योर होते हैं तो इनको हम पॉलन्स बोलते हैं। तो जो टैपेटल सेल्स हैं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल सिक्रीट करते हैं, और वो केमिकल इन सारे के सारे माइक्रोस्पोर्स के चारों तरफ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं, इस तरीके से क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। और इस स्ट्रक्चर को मैं बोल रहा हूं, इस स्ट्रक्चर को मैं बोल रहा हूं यूबिश बॉडी, यूबिश बॉडी। मैंने इसको बोला क्या, यानी कि हमने ये कहा कि ये स्पोरोजिनस सेल्स, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, स्पोरोजिनस सेल जो है ये माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल की तरह एक्ट करेंगे, मियोसिस के थ्रू माइक्रोस्पोर्स बनाएंगी, और डेवलपमेंट के टाइम पे, मैच्योरेशन के टाइम पे यहाँ पे टैपेटम जो है इन सेल्स के चारों तरफ, माइक्रोस्पोर्स के चारों तरफ या पॉलन्स के चारों तरफ यहाँ पे यूबिश बॉडी का सिक्रीशन करता है, जो कि इनके चारों तरफ लेयर की फॉर्म में क्या हो जा रहा है, अरेंज हो जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमको ये इसमें याद रखनी है कि यूबिश बॉडी विल कंटेन स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन के लिए एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है हमको, ये वर्ल्ड मोस्ट रेजिस्टेंट केमिकल है, दुनिया में इससे ज्यादा रेजिस्टेंट केमिकल कोई भी नहीं है, दुनिया का कोई भी केमिकल, कोई भी एंजाइम इसको क्या नहीं कर सकती है, डाइजेस्ट नहीं कर सकती, यानी किसी भी केमिकल, किसी भी एंजाइम के थ्रू इसका डिग्रेडेशन पॉसिबल नहीं है। तो मैंने आपको ये बताया कि वर्ल्ड मोस्ट रेजिस्टेंट केमिकल कौन सा है, स्पोरोपोलेनिन। इसके सिग्निफिकेंस को आप माइक्रोफॉसिल्स में पढ़ेंगे, इवोल्यूशन में, कि ये जो पॉलिन ग्रेन्स बनेंगे, ये जो माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, इनसे जो ये माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, इन माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर के चारों तरफ यहाँ पे ये जो क्या बन जा रहा है, यूबिश बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो यूबिश बॉडी है कंटेनिंग स्पोरोपोलेनिन, जब ये माइक्रोस्पोर पॉलन्स में कन्वर्ट होंगे तो पॉलिन ग्रेन की आउटर मोस्ट कवरिंग, यानी कि ये एक जाइन बनाएंगे, आउटर मोस्ट कवरिंग बनाएंगे। तो हमने ये बोला कि पॉलन ग्रेन के जो आउटर मोस्ट कवरिंग है
ये यूविश बॉडी फॉर्मेशन से हो रहा है, यानी कह सकते हैं स्पोरोपोलेनिन कंटेनिंग क्या होगा, ये लेयर होगी। और मैंने आपको बताया कि स्पोरोपोलेनिन दुनिया का सबसे ज्यादा क्या है, रेजिस्टेंट या हार्ड केमिकल है। और फिर उसके बाद आप एक और इंपॉर्टेंट बात ये समझिए कि इसमें सिक्रीशन में एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल सिक्रीट करता है ये, मैं इसको दूसरे इंपॉर्टेंट केमिकल को इधर लिख रहा हूँ। यानी कि सबसे पहला तो मैंने आपको बताया कि ये यूविश बॉडी फॉर्मेशन करेगा और यूविश बॉडी में क्या होगा, स्पोरोपोलेनिन होगा। और स्पोरोपोलेनिन वर्ल्ड हार्डेस्ट या रेजिस्टेंट क्या है, केमिकल है जिसका डिग्रेडेशन पॉसिबल नहीं है। इसके बाद मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल सिक्रीट करता है और ये येलोइश साइनी क्या होगा, सब्सटेंस होगा जो इसके चारों तरफ यानी कि पॉलन ग्रेन्स के चारों तरफ इस तरीके से आकर के क्या हो जाता है, अरेंज हो जाता है। और इसको मैं बोल रहा हूँ पॉलन किट। और ये जो पॉलन किट है, मैंने आपको बताया कि ये टैपेटम की सेल्स क्या कर रही हैं, सिक्रीट कर रही हैं। और ये पॉलन ग्रेन के चारों तरफ ये येलोइश शाइनी सब्सटेंस जाकर के चिपक जा रहा है और इसको मैंने बोला पॉलन किट। और ये जो पॉलन किट है, ये पॉलन ग्रेन्स को अट्रैक्टिव लुक देंगे। अट्रैक्टिव लुक देने की जरूरत क्या है, जो प्लांट्स के फ्लावर यानी जैसे कि बहुत सारे एंटेमोफिलस फ्लावर हम लोग पढ़ेंगे, तो जो जैसे कि इंसेक्ट वगैरह के थ्रू या फिर जिसमें बायोटिक एजेंट के थ्रू क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, तो किसी भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने की नीड होगी इन पॉलियंस को, कि वो जो इंसेक्ट हैं इनके अट्रैक्टिव लुक की वजह से क्या हो, इनकी तरफ अट्रैक्ट हो, फिर उस पर जाकर के ये बैठे और इनकी बॉडी से ये चिपक जाए और फिर ये ट्रांसफर कर दें इन पॉलेंस को किसी दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट दैट इज स्टिग्मा पे। तो मैंने आपको ये बताया कि जैसे कि बहुत सारे एंटेमोफिलस फ्लावर जो हैं उसमें जिसमें कि इंसेक्ट वगैरह के थ्रू, जैसे कि हनी बी वगैरह के थ्रू कह सकते हैं, फिर किसी भी बायोटिक एजेंट के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है, तो इसमें पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इस वजह से टैपेटम की जो सेल्स हैं वो पॉलन किट रिलीज करेंगी या सिक्रीट करेंगी, वो पॉलन ग्रेन्स को अट्रैक्टिव लुक देंगे। तो एक तो इम्पोर्टेंट आपको ये बात समझ आ गई कि पॉलन किट का फंक्शन क्या है, अट्रैक्टिव लुक देना पॉलिनेशन को फैसिलिटेट करने के लिए, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात आप ये समझिए कि ये पॉलन्स को, पॉलन ग्रेन्स को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाने का भी काम करता है। पॉलन ग्रेन्स को या पॉलन्स को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाने का भी काम करता है, यानी कि जो यूवी रेज हैं इनसे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा, इनसे इनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हमको पॉलन किट का समझ में आ गया कि पॉलन किट जो है वो अट्रैक्टिव लुक देंगे, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करेंगे ये। और पॉलन किट का दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है, ये यूवी रेज से पॉलन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, यानी प्रोटेक्शन का काम करता है ये। और एक तीसरा केमिकल जो इससे सिक्रीट हो रहा है, इसको मैं बोल रहा हूं कैलेज। और एज वर्ड लगता है, मैंने 11th क्लास में आपको बताया था एंजाइम के सफिक्स के फॉर्म में। तो आप पढ़ेंगे बाद में जब मैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ाऊंगा, तो जो ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो ये सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड है, जब इसमें मियोसिस होगी तो बनेंगे 4 माइक्रोस्पोर्स। और ये जो चारों के चारों माइक्रोस्पोर हैं, ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट पे इस तरीके से क्या होंगे, अरेंज होंगे। ये इस तरीके से टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट पे क्या होंगे, इस तरीके से अरेंज होंगे। तीन मैंने दिखाया, एक इसके पीछे होगा। और ये चारों के चारों जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो एक दूसरे से किसी केमिकल की हेल्प से क्या है, इस तरीके से जुड़े हैं। और इस केमिकल को मैं बोल रहा हूँ कैलोज, इस केमिकल को मैं बोल रहा हूँ कैलोज। तो मैंने आपसे ये बताया कि जब भी माइक्रोस्पोर बनते हैं तो एक पॉलन मदर सेल में मियोसिस होगी तो 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। और ये 4 माइक्रोस्पोर मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में क्या होंगे, ये अरेंज होंगे। और 1, 2, 3 और इसके पीछे एक होगा बोर्ड के प्लेन के पीछे जो आपको नहीं दिखा है। ये चारों के चारों माइक्रोस्पोर्स एक दूसरे से इस ब्लैक कलर की केमिकल यानी कि कैलोज कार्बोहाइड्रेट से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, चिपके होते हैं। तो यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए इसको मैं हटा रहा हूँ आपके सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए, तो मैंने आपको कहा कि ये मान लीजिए माइक्रोस्पोर मदर सेल है, मियोसिस करके 1, 2, 3 और इसके पीछे एक 4 क्या बनाया, माइक्रोस्पोर्स बनाए। और इस अरेंजमेंट को मैं बोल रहा हूँ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट और इस स्ट्रक्चर को मैं बोल रहा हूँ माइक्रोस्पोर टेट्राड।
और ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स क्या है, कैलोज कार्बोहाइड्रेट से जुड़े हैं। तो ये जो टैपेटम है यहाँ पे इस कैलोज को डाइजेस्ट करने के लिए, यानी कि इस कैलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक केमिकल रिलीज करेगा, सो दैट कि ये सारे के सारे, ये जो चार के चारों क्या हैं माइक्रोस्पोर्स हैं, वो क्या हो जाए इस तरीके से फ्री हो जाए। ये चौथा है, क्या हो जाए, फ्री हो जाए। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जो कैलोज कार्बोहाइड्रेट है ये माइक्रोस्पोर टेट्राड को क्या कर रहा है, डाइजेस्ट करने के, माइक्रोस्पोर टेट्राड जिस केमिकल से जुड़े हैं कैलोज कार्बोहाइड्रेट से, उसको डाइजेस्ट करके माइक्रोस्पोर टेट्राड्स में चारों माइक्रोस्पोर को क्या कर देता है, फ्री कर देता है, ताकि ये पॉलिप्स में मैच्योर हो सके। तो फिर भी एक बार मैं रिकैप कर रहा हूँ आपको बहुत तेजी से। मैंने आपको बोला कि एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड देन टैपेटम, और टैपेटम इनर मोस्ट वॉल है, नियरेस्ट है किसके, स्पोरोजिनस टिश्यूज के या पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर के, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं या पॉली न्यूक्लियर सेल्स होती हैं, पॉलीपोलाइड सेल्स होती हैं, और इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन की वजह से, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब ये होता है कैरियोकाइनेसिस विच इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाई द साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे रिपीटेटिव कैरियोकाइनेसिस होगी विच रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ मैनी न्यूक्लियाई, बहुत सारे क्या बन जाएंगे, न्यूक्लियाई बन जाएंगे। कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बोलेंगे। फिर मैंने आपको बताया कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, यानी कि ये जो सेल्स हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स या स्पोर मदर सेल्स, या फिर कह सकते हैं माइक्रो स्पोर मदर सेल्स, बहुत सारे नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि जो स्पोरोजिनस टिश्यूज की सेल्स हैं, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स हैं, इनको डिवाइड करना है, इनको मैच्योर होना है, तो इनको एनर्जी चाहिए, तो उस एनर्जी को फूड से, ये एनर्जी जो है फूड से मिलेगी, और ये फूड कहाँ से आएगा, टैपेटम से। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि टैपेटम की ये लेयर्स इन सेल्स को क्या करेंगी, प्राइमरी यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या फिर ये जो माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं, इनको नरिशमेंट करने का भी, यानी कि इनको नरिश करने का भी काम करेंगे, इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन हमने आपको ये बताया कि ये सिक्रीटरी नेचर की होंगी, बहुत सारे सिक्रीशंस प्रोड्यूस करेंगी। पहला सिक्रीशन मैंने बताया कि यूविश बॉडी फॉर्म करेंगी, एंड यूविश बॉडी विल कंटेन स्पोरोपोलेनिन केमिकल, एंड स्पोरोपोलेनिन इज वर्ल्ड मोस्ट रेजिस्टेंट केमिकल, जिसका डिग्रेडेशन किसी भी पर्टिकुलर केमिकल या एंजाइम के थ्रू पॉसिबल नहीं है। और फिर मैंने कहा कि ये स्पोरोपोलेनिन कंटेनिंग यूविश बॉडी, ये माइक्रोस्पोर के चारों तरफ या कह सकते हैं पॉलेंस के चारों तरफ इसकी आउटर लेयर बनाएंगी। और फिर मैंने आपको कहा कि सिक्रीशंस दूसरा प्रोड्यूस करेगी, जो येलोइश सब्सटेंस है, साइनिस सब्सटेंस, जो इस पॉलन के चारों तरफ आकर के अरेंज हो जाएंगी, इसको मैं बोल रहा हूँ पॉलन किट। और पॉलन किट का इंपॉर्टेंट फंक्शन मैंने आपको बताया कि ये अट्रैक्टिव लुक देगा पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, पॉलिनेशन को फैसिलिटेट करने के लिए, और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से पॉलन ग्रेन्स को क्या करेगा, प्रोटेक्ट भी करेगा। फिर मैंने आपसे कहा कि एक तीसरा सिक्रीशन जो आपको याद रखना है, कैलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कैलेज एंजाइम, मैंने आपको बताया कि जो चार माइक्रोस्पोर्स बनेंगे एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से, ये इनिशियल स्टेजेस में कैलोज कार्बोहाइड्रेट की हेल्प से जुड़े होते हैं, बाद में टैपेटम जो है वो कैलेज एंजाइम रिलीज करके इनको फ्री करता है, यानी ये पॉलन्स में मैच्योर हो सके। ठीक, एक आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमको याद रखना चाहिए वो ये कि अगर मैं एंथर को एग्जामिन करूं बहुत अच्छी तरीके से, तो बहुत इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन हमको एक समझ में आती है इसकी, ये कि एंथर जो है, एक एंथर जो है, इस एंथर में क्या क्या है, सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके बाद यहां पे क्या प्रेजेंट है, एंडोथीसियम, इनर टू एंडोथीसियम देयर विल बी मिडिल लेयर एंड द इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट वॉल ऑफ एंथर विल बी टैपेटम, टैपेटम होगी। और टैपेटम के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो यहां पे प्रेजेंट होंगे स्पोरोजिनस सेल्स, और ये स्पोरोजिनस सेल्स जो है ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में एक डिवीजन हो रहा है, और इस डिवीजन को मैं बोल रहा हूं मियोसिस, या फिर इसको मैं बोल रहा हूं रिडक्शनल डिवीजन, और जिसकी वजह से बन क्या रहा है, माइक्रो स्पोर्स। तो आपको इतनी सी बात तो कम से कम समझ में आ रही होगी कि मियोसिस के बाद जो सेल्स बनती हैं वो सारी की सारी सेल्स
कैसी होती हैं? हैप्लॉयड, यानी कि इसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। और मियोसिस सिर्फ उन सेल्स में हो सकती है जो 2n हो, यानी कैसी हो? डिप्लॉयड, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे? पेयर में अरेंज होंगे। तो ये डिप्लॉयड सेल है, तो अगर ये डिप्लॉयड है तो ये भी क्या होगी? डिप्लॉयड होगी। और मैं आपके कन्वीनियंस के लिए बता दूं कि ये सेल और ये सेल और ये सेल, यानी ये तीन के तीनों क्या होंगी? 2n होंगी, यानी डिप्लॉयड होंगी। लेकिन टैपेटम के लिए अभी मैंने आपको बताया कि ये मल्टी न्यूक्लियेटेड होंगी, यानी मैं ये कह सकता हूँ इसे बहुत सारे क्या प्रेजेंट होंगे? न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, यानी ये मल्टी न्यूक्लियेटेड होगी, ये मल्टी न्यूक्लियेटेड होगी। यानी मैं ये कह सकता हूँ एंथर एक ऐसा स्ट्रक्चर है प्लांट के अंदर जिसमें एपिडर्मिस एंडोथीसिया मिडिल लेयर के सेल्स डिप्लॉयड है। एपिडर्मिस एंडोथीसिया मिडिल लेयर की सेल्स क्या है? डिप्लॉयड है। मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। मैंने आपसे ये कहा कि एंथर के सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, फिर उसके अंदर एंडोथीसिया, फिर मिडिल लेयर, फिर टैपेटम, फिर स्पोरोजिनस सेल्स के लेयर है जो माइक्रोस्पोर सेल की तरह एक्ट करेंगे, जिसमें मियोसिस और रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। तो मैंने आपसे ये कहा कि माइक्रोस्पोर्स मियोसिस के थ्रू बढ़ रहे हैं तो ये हैप्लॉयड होंगे, क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ कर देगा, लेकिन मियोसिस सिर्फ उन्हीं सेल्स में होगा जो डिप्लॉयड होंगे। तो ये डिप्लॉयड, ये हैप्लॉयड हो गया, इतना तो हमको समझ में आ गया। और अगर ये डिप्लॉयड है तो ये भी डिप्लॉयड होगा, क्योंकि ये इसी की सेल्स हैं। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये तीनों क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। लेकिन ये कैसे हैं? मल्टीप्लॉयड है, यानी कि पॉलीप्लॉयड है। तो मैंने आपसे ये कहा कि एपिडर्मिस एंडोथीसिया मिडिल लेयर ये क्या है? डिप्लॉयड है। ये क्या है? डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड है। और ये जो माइक्रोस्पोर है, ये माइक्रोस्पोर क्या है? हैप्लॉयड है। लेकिन ये जो टैपेटम की सेल्स है, मल्टी न्यूक्लियेटेड सेल्स, इनको मैं बोल रहा हूँ पॉलीप्लॉयड, पॉलीप्लॉयड। तो यानी मैं ये कह पा रहा हूँ कि प्लांट का एक पर्टिकुलर पार्ट, जिसको मैं फर्टाइल मेल पार्ट बोल रहा हूँ, दैट इज एंथर, इसमें हर तरीके की सेल्स पाई जाती है। एन टू एन मल्टीपल न्यूक्लियेटेड सेल्स भी प्रेजेंट होंगी। तो मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे हैप्लॉयड सेल्स भी होंगी, डिप्लॉयड सेल्स भी होंगी, एंड पॉलीप्लॉयड सेल्स भी होंगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्लांट में क्या कोई पार्ट ऐसा है जिसमें हर तरीके की सेल्स होती हैं, हैप्लॉयड भी, डिप्लॉयड भी, पॉलीप्लॉयड भी, तो आंसर क्या होना चाहिए? एंथर। तो एंथर में हैप्लॉयड सेल्स भी होंगी, डिप्लॉयड सेल्स भी होंगी, एंड पॉलीप्लॉयड सेल्स भी होंगी। इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओरिएंटेड पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब मैं जब अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा, तब मैं आपसे डिस्कस करूंगा द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, दैट विल बी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।